हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका भाई से प्रमोद कुमार, आज मैं आपके लिए करके आया हूँ चीज़ ऑमलेट का रेसिपी, चीज़ ऑमलेट फ्रेंच स्टाइल। आइए मैं दिखाता हूँ आपको चीज़ ऑमलेट का, मैं इसको बनाने जा रहा हूँ और मैं बताऊँगा आपको कि ये चीज़ ऑमलेट कैसा बनेगा। इसका मैं प्रॉपर रेसिपी स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। इसके ये रेसिपी देखने के बाद आप इसे घर में आसानी से और इजी तरीके से बना सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। सबसे पहले आप एक नॉन स्टिक ले लीजिए जिसमें आप चीज़ ऑमलेट बनाएंगे। हाफ़ टी स्पून ऑयल डालिए उसमें और 6 से 8 पीस इसमें मशरूम को थोड़ा सा सौते करिए। अब मशरूम को स्किप करके आप पोटैटो को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ी सी ब्लैक पेपर डाल करके हल्का सा सौते करेंगे। थोड़ा सौते होने के बाद इसको निकाल देंगे। निकालने के बाद इसको सेलमेंडर में थोड़ा सा रोस्ट करेंगे इसका टेस्ट के लिए। अब थोड़ा सा यहाँ पर 6 पीस मैंने चेरी टोमेटो ले लिया है। आप बड़े टोमेटो को भी इस्तेमाल कर सकते हैं 1/2 करके, और चीज़ ग्रेट कर लेंगे। चीज़ ग्रेट करके मैंने रख लिया। उसके बाद 4 अंडा मैंने यहाँ पे ले लूँगा इसमें चीज़ ऑमलेट को बनाने के लिए। तो 4 अंडा हमने यहाँ पे एक बॉल में तोड़ करके रख लिया। उसके बाद इसको अच्छे से बीट करेंगे, फेंटेंगे इसको, और उसी नॉन स्टिक में अच्छा से थोड़ी सी गर्म करने के बाद उस बीट किया हुआ एग को इसमें डालेंगे और गैस को एकदम स्लो कर देंगे। एकदम स्लो 1% में गैस को स्लो करके पकाएंगे, एकदम धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। आप देख सकते हैं, आप इसी तरीके से बनाइए, आपका ऑमलेट बहुत ही सुंदर, बहुत लाजवाब एकदम बन करके तैयार हो जाएगा। इसको स्लो स्लो एकदम अच्छे से पकाइए। पकाने के बाद आप देखिए कि थोड़ा सा इसको हार्ड हो गया है। उसके बाद चीज़ को जो आपने ग्रेट करके रखा था वो चीज़ को इसमें ऐड कर दीजिए। आप चीज़ ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। टेस्ट को थोड़ा इन्हेंस करने के लिए थोड़ा सा ब्लैक पेपर, ऑर्गिनो, चिली फ्लेक्स, ये सब आप डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा पार्सले चॉप किया हुआ उसको मैंने यहाँ पे डाला और ब्लैक पेपर क्रश डाला। अब सबसे इम्पोर्टेंट, इसको फोल्ड कैसे किया जाएगा फ्रेंड, ये इम्पोर्टेंट है। तो फोल्ड करने का तरीका मैं आपको बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से बता रहा हूँ। अब दोनों साइड से पहले हल्का हल्का फोल्ड कर लीजिए। फोल्ड करने के बाद आप बीच से थोड़ा सा इसको जैसा मैं कर रहा हूँ उसे कर लीजिए। आप देख सकते हैं, इसी तरीके से आप करिए, आपका ऑमलेट का शेप वो बहुत ही सुंदर निकलेगा। पहले साइड साइड, उसके बाद बीच में। अब इसको क्या करेंगे, आप देखिए, मैं यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट कैसे यहाँ पे पलटी कर रहा हूँ ताकि इसका शेप ऑमलेट का एकदम प्रॉपर आ जाएगा। सुपर सुपर, आप इसी तरीके से आप इसको ऑमलेट को फोल्ड करके आप सुंदर शेप इसका दे सकते हैं ऑमलेट का। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको अच्छा लगे रेसिपी हमारा तो अपने दोस्तों में, फैमिली मेम्बरों में शेयर करना ना भूलें। अब सबसे इम्पोर्टेंट, लोग पलटी करने में थोड़ा सा धोखा खा जाते हैं, तो इस साइड से नहीं, मैं आपको दिखा रहा हूँ इस साइड से पलटी करना है। ऐसे पलटी करिए तो आपका ऑमलेट बहुत ही सुंदर तैयार हो जाएगा। एकदम सुंदर लगेगा देखने में, लाजवाब तरीके से ऑमलेट बन के आपका रेडी। अब इसे जो हमने टोमेटो लिया था, चेरी टोमेटो, आप बड़े टोमेटो भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं इसे थोड़ा सा सॉल्ट डाल के हल्का, और हल्का आधा चम्मच ऑयल डाल के इसको थोड़ा सोते करेंगे। टोमेटो को सोते करने के बाद इसे हाफ सोते करेंगे, पूरा नहीं करेंगे। उसके बाद एक बॉल में हम निकाल लेंगे। उसके बाद जो हमने ऑमलेट तैयार किया उस ऑमलेट को प्लेटिंग करेंगे। तो एक प्लेट मैंने ले लिया और प्लेट में इसको अच्छे से निकाल देंगे। आप भी इसी तरीके से, आप आसान तरीके से एक प्लेट में निकाल लीजिए इस ऑमलेट को। उसका बाद जो हमने मशरूम को जो रोस्ट किया और जो टोमेटो को सोते किया उसका थोड़ा सा यहाँ पे प्लेटिंग करेंगे, उसका गार्निश करेंगे। आई होप ये हमारा बनाने का तरीका और हमारा रेसिपी आपको अच्छा लगा होगा। अब इसका प्लेटिंग करते हैं मशरूम का और टोमेटो का। तो हमने मशरूम यहाँ पर ले लिया और टोमेटो ले लिया। थोड़ा सा गार्निश के लिए आप यहाँ पर लेट्यूस का इस्तेमाल कर सकते हैं और पार्सले चॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने पार्सले चॉप यहाँ से गार्निश किया थोड़ा यहाँ पे, और लेटुस हमने नहीं डाला। आप चाहे तो लेटुस का गार्निश कर सकते हैं। तो सुंदर और लाजवाब ऑमलेट बनके तैयार हो गया है दोस्तों, आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अब मैं बताता हूँ अब इसका अंदर का किस तरीके से ये चीज़ का जो है वो निकला है इसका भाग। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर। अब इसको थोड़ा सा मैं दबा के दिखाता हूँ दोस्तों। आप चाहे तो थोड़ा सा कम पकाइएगा और तो चीज़ का लेयर थोड़ा सा और ज़्यादा दिखेगा। हेलो फ्रेंड्स, ये चीज़ ऑमलेट बन गया है। मैं दिखाता हूँ इसका टेस्ट कैसा है, और आप देख सकते हैं
एकदम प्रॉपर चीज़ ऑमलेट बना है, आप इसको जरूर ट्राई करिए। आप इसको ट्राई करेंगे, टेस्ट करेंगे, तब बताएंगे आपकी शेफ ने क्या बताया। थैंक यू।